अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैंने कहा आज हम पालक गोश्त बनाने लगे थे, तो मैंने कहा आपको आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैं आपको बहुत आसान सी पालक गोश्त की रेसिपी देती हूं। ये देखें, मेरे पास प्याज ज़रा छोटे साइज़ के थे, तो ये 11-12 प्याज हैं। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा सारी पालक बनानी है, क्योंकि आज हमारे घर में दावत है, मेरी बहनें आ रही हैं। ये देखें, सारे प्याज छील कर तो मैं बारीक बारीक काट के तो प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। अब ये देखें, मैं इसमें 2 लहसुन की पोथियाँ जो है ना, वो छील के डाल रही हूँ। ये देखें, सारा लहसुन अब मैंने छील लिया है। अब इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी डाल लूँगी। मैंने इसमें देखें 1.5 किलो गोश्त डाला है। मैंने वैसे बीफ डाला है, आप मटन भी ले सकते हैं। और ये देखें, मेरे टमाटर जो थे ना, फ्रीज किए हुए थे, तकरीबन 6 हैं, तो ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। अब हम इसमें ना अपने अंदाजे से पानी डालेंगे, जिसमें हमारा गोश्त डल जाएगा और यखनी भी बन जाएगी थोड़ी सी, उसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा पालक में ना। ये देखें, अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ और इसको ना आधा घंटा मीडियम फ्लेम पे रखूँगी, ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। ये देखें, अब आधा घंटा हो चुका है और मैं इसका ढक्कन खोलने लगी हूँ। गोश्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह 90% गल गया है और हमने इतना ही गलाना था इसको। पालक जो है ना, मैंने फ्रोज़न रखी हुई थी, तो अब ये मेरा 1.5 किलो तकरीबन गोश्त है ना, तो इसमें मैंने 3 पैकेट डाले हैं। 1-1 किलो का मैंने 1 पैकेट बनाया था, तो अब इसमें तकरीबन 3 किलो पालक है। अब देखिए, 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन बंद करके रख रही हूँ, ताकि पालक जो है फ्रोज़न थी तो ज़रा थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। देखिए, पालक अच्छी तरह घुल मिल गई है, तो अब इसमें तकरीबन मैं 1.5 कप जो है ना, वो ऑयल का डालने लगी हूँ। अब देखें, ये जो लग रहा है कि कुकर जो मेरा है ना, थोड़ा तंग हो रहा है, तो अब मैं खुले ये देखें पैन में ना, इन दोनों को डाल के पालक और गोश्त को ना अच्छी तरह भूनने लगी हूँ। अब देखें, स्टेज पे ना मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है, कुछ नमक मुझे कम लग रहा था। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया। इसमें मुझे लाल मिर्चें भी कुछ कम लग रही हैं, जिस तरह मैंने देखे नमक डाला है ना और धनिया, लाल मिर्चें इस तरह नहीं डालते, फिर वो कच्ची रह जाती हैं। अब देखे, मैंने इसे 1 चम्मच ऑयल डाला है और उसके ऊपर ये 2 चम्मच लाल मिर्चें डाली हैं। अब इनको ना इस अच्छी तरह इसमें तड़क रही हूँ, ताकि उनका जो है ना वो जायका मर जाएगा, ये पक जाएंगे अच्छी तरह, तो फिर पालक में मिक्स कर दूँगी इसको। अब इसमें ना हमने सादा पानी नहीं यूज़ करना है, जो यखनी बची थी ना इसको डाल डाल के ना, तो पालक को अच्छी तरह भूनना है। अब इसमें जो यखनी है ना, ये भून भून के बिल्कुल ख़त्म कर देनी है और पालक का कलर जो है ना, वो चेंज हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा, फिर हमारी पालक पक के अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। ये देखें, मेरे पास ना ड्राई मेथी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये इसमें थोड़ी सी धूड़ देती हूँ, इससे इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा हो जाते हैं। ये देखें, अब हमारी यखनी भी सारी ख़त्म हो गई और पालक भी अच्छी तरह भुन चुकी है और पालक बिल्कुल तैयार है। ये देखें, अब जो हमारी पालक है खाने के लिए तैयार है, कितनी खूबसूरत लग रही है आप देख लें, और सबको बड़ी पसंद आई थी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, और अच्छे अच्छे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।